सब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सब, और इस हाउसिंग स्कीम के क्वेश्चन पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना हासिल करने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने जो इंद्रम्मा स्कीम और अदर स्कीम्स में जो इरेगुलरिटीज़ रहे हैं उस पर एक सीआईडी इंक्वायरी के लिए ऐलान किया था। मैं समझता हूँ साहब कि ये इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो मैं आपके ज़रिए से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीआईडी फाइंडिंग रही और क्या एक्शन लिया गया है। और दूसरी बात साहब, जहाँ तक जो अभी जितने डेटा मिनिस्टर साहब ने बताया कि जितने कितने हाउसेज अब तक कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और कितने अलॉट किए गए हैं, साहब मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में लाखों लोगों ने इस स्कीम से इस्तेफादा उठाने के लिए एप्लीकेशंस दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो अब तक कितने कंप्लीट हुए और अब तक किन किन को अलॉटमेंट दिया गया है, और मज़ीद जो पिछले 2-3 साल में जो एप्लीकेशंस हमने रिसीव किए हैं वो एप्लीकेशंस को कैसा उस लोगों को ग्राउंडेड करेंगे, तो कहाँ पर उसके लिए क्या प्लान रहा है, कहाँ पर जो है उसका न्यू प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ।